हेलो एवरीवन, वेलकम इन जेके क्लासेस। इस लेक्चर में हम ड्रा करेंगे रैग बोल्ट को, कि रैग बोल्ट को ड्रा कैसे करते हैं ड्राइंग शीट पे। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा कि हर एक जो भी फाउंडेशन बोल्ट आपने ड्रा किया है उसमें सबसे पहले आपने नट को ड्रा किया है, तो इसी तरीके से रैग बोल्ट में भी हम डायामीटर 20 लेके नट को ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। इस तरीके से सेंटर लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हम जो डायमीटर है वो कितना लेंगे, 20 mm लेंगे। तो जब डायमीटर 20 mm लेंगे तो इधर से मैं मार्क कर लेता हूँ। नट की जो हाइट होती है वो 20 mm, दैट मींस डी के बराबर होती है। डी हमारा है 20 mm, तो जो नट की हाइट है हम ले लेंगे कितनी, 20 mm ले लेंगे। इसके बाद जो हम फ्रंट जो आर्क है वो लगाएंगे, और वो होती है कितनी डिस्टेंस पे, 1.5D, दैट मींस 3 cm मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। इस पॉइंट को सेंटर मान के और यहाँ तक प्रकार ओपन करके मैं ये आर्क ड्रा कर देता हूँ। ये मैंने आर्क ड्रा कर दी। इसके बाद यहाँ से भी मैं फ्री हैंड क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ आर्क की फॉर्म में ही। ये मैंने नट ड्रा कर दिया। नट ड्रा करने के बाद आपको पता है कि वाशर ड्रा करते हैं। वाशर ड्रा करने के लिए भी मैं इस लाइन को 2 mm एक्सटेंड कर देता हूँ, 2 mm इधर और 2 mm इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। और वाशर की जो थिकनेस होती है बच्चों आपको पता है D/8 होती है। ये वाशर ड्रा कर दिया। वाशर ड्रा करने के बाद आप क्या करते हो, मशीन बेस को ड्रा करते हो।
इस डायमीटर वाली जो लाइन है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे की तरफ, और इस लाइन से 2 mm इधर, 2 mm इधर की तरफ, ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। ये ड्रा करने के बाद ये मशीन बेस ड्रा कर दिया। अब हम इस मशीन बेस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, हैचिंग करते हैं। हैचिंग करने के बाद बच्चों जो ये डायमीटर वाली जो लाइन है इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ। इस पॉइंट से कहाँ तक एक्सटेंड करूँगा, 3.5D तक। कहने का मतलब है कितना, 7 cm तक मैं क्या करूँगा इसको एक्सटेंड कर दूँगा। और एक्सटेंड करने के बाद ये मैंने एक्सटेंड कर दी। इस तरीके से एक्सटेंड करने के बाद अब पता है जो रैग बोल्ट के अंदर जो बच्चों बेस की जो लेंथ होती है वो यहाँ से टॉप से बच्चों कितनी होती है, 7.5D। लेके चलते हैं हम जनरली, तो 7.5D लेंगे बच्चों, तो 7.5D का मतलब है 150 mm, 15 cm। और जो बेस की जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है कितनी, 2D के इक्वल होती है। 2D का मीनिंग है 40 mm, मतलब 4 cm। तो इस सेंटर लाइन से 2 इधर और 2 cm इधर हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे। इसके बाद बच्चों इस बेस से 0.75D और 0.75D का मीनिंग है 1.5 cm। ये 1.5 cm पे मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इसके बाद फिर 1.5 पे मार्क कर दिया पॉइंट, इसके बाद फिर 1.5 पे मार्क कर दिया, और इसके बाद फिर मैंने 1.5 पे पॉइंट मार्क कर लिए मैंने। अब इन पॉइंट से हॉरिजेंटल लाइन इस पॉइंट से जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे 36 मींस 18 mm इधर और 18 mm इधर,
इस पॉइंट से 32 mm, 16 mm इधर, 16 mm इधर, इस पॉइंट से 28 mm, 14 mm इधर और 14 mm इधर, और इस पॉइंट से 24 mm लाइन ड्रा करेंगे, 12 mm इधर और 12 mm इधर। ये करने के बाद हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे इन पॉइंट से, डायमीटर जितना लिया है, डायमीटर जितनी, और डायमीटर हमने लिया है कितना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रा कर दी। इस पॉइंट से भी 2 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रा कर दी ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से भी ऐसे ही इधर ड्रा कर देंगे। ये लाइन ड्रा करने के बाद बच्चों इस एंड को इससे कनेक्ट कर देंगे, इस एंड को इससे ज्वाइन करेंगे, इस एंड को इससे ज्वाइन करेंगे, इस एंड को इससे ज्वाइन करेंगे, इसी तरीके से इस एंड को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इस एंड को यहाँ ज्वाइन करेंगे, और इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद बच्चों इस बेस से नीचे कुछ हाइट पे, कुछ नीचे हम क्या कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसकी डिस्टेंस है 3D, दैट मीन्स 30 mm इधर, 30 mm इधर, और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रा ऊपर मिला देते हैं मशीन बेस तक, जिसके अंदर क्या फील होगा बच्चों, सल्फर फील होगा। ये मैंने इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, अब इस पोर्शन में बच्चों जो इसके जो ये बाहर वाला जो पोर्शन है 3D तक, इसमें हम इसमें क्या कर देंगे बच्चों, सल्फर फिल करते हैं, और इसके बाहर बच्चों क्या होती है, कंक्रीट फिल करते हैं। तो सल्फर के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, क्रॉस हैचिंग दिखाते हैं क्रॉस करके, ठीक है। और सीमेंटेड पोर्शन अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, राइट। इस तरीके से बच्चों सल्फर की कन्वेंशन होती है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसके चारों तरफ इस सल्फर फिल करने के बाद में हमें क्या दिखाना होता है, सीमेंटेड पोर्शन जो सीमेंट कंक्रीट वगैरह जो होती है उसको हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है, दिखाना होता है, वो हम दिखा देते हैं। इस तरीके से हमने कंक्रीट फिल कर दिया। कंक्रीट फिल करने के बाद में हमें इसकी डायमेंशन देनी होती है, डायमेंशन हम दे देते हैं। यहाँ से और यहाँ तक की जो लेंथ होती है बच्चों, वो अभी आपने देखी कितनी होती है, 7.5 डी लेके हम चलते हैं। तो मैंने इसको मार्क कर दिया 7.5 डी। इसके बाद जो ये डिस्टेंस जो होती है, ये होती है 3.5 डी के इक्वल। ये डिस्टेंस हमने ली 2D। यहां से ये डिस्टेंस बच्चों हमने ली 0.75 डी। ये हमारा डायमीटर होता है। ये हम 3D लेके चलते हैं। तो बच्चों ये आपका था रैग बोल्ट।